गाजीपुर में इन दिनों लगातार बिजली विभाग सुबह में छापेमारी कर विद्युत चोरों को पकड़ने में जुटा हुआ है। जब आधा शहर नींद में होता है उस वक्त विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे लोगों को दबोचने का काम कर रही है। इसी क्रम में अधीक्षण अभियंता के निर्देशानुसार विजिलेंस और विभागीय संयुक्त टीम ने शनिवार को नगर क्षेत्र के कई इलाकों में छापेमारी की। इसमें सीधे और बाईपास कनेक्शन जोड़कर बिजली का उपयोग करते हुए पाए जाने पर 38 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया। मालूम हो कि उपखंड अधिकारी शहर शिवम राय तथा विजिलेंस इंस्पेक्टर स्वदेश कुमार की अगुवाई में नगर के गोरा बाजार, चेयरमैन गली, शास्त्री नगर, लंका जेल गेट एवं इसके आसपास के क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सीधे विद्युत चोरी करते हुए 22 और मीटर से अलग केबल लगाकर विद्युत चोरी करते हुए 16 लोगों को पकड़ा गया। उपखंड अधिकारी शिवम राय ने चेकिंग के दौरान बिजली चोरी करते हुए पाए जाने पर 38 लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए रौजा थाने में FIR दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त 9 ई रिक्शा चालकों को बाईपास पर बैटरी चार्ज करते हुए पकड़ा गया है। उन्हें दोबारा ऐसा न करने की हिदायत दी गई है। बताया कि चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान जो भी बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। आगे बताया कि जो भी बड़े बकायेदार हैं वह समय रहते बकाया का भुगतान कर दें। ऐसा न करने की स्थिति में उनका कनेक्शन काटने के साथ ही अन्य विभागीय कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग टीम में विजिलेंस टीम के साथ समस्त विद्युत कर्मी शामिल रहे। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।